स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जोधपुर से खबर, जहां शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 26 अप्रैल को मतदान के दौरान बीएसएफ जवान से बदसलूकी का आरोप था। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर विकास कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया और जोधपुर ग्रामीण के चामू थाना में यह मामला दर्ज किया गया। जवान को धमकाने और बदसलूकी का विधायक के ऊपर आरोप है। सार्वजनिक रूप से विधायक के माफी मांगने के बावजूद ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 26 अप्रैल को मतदान के दौरान बीएसएफ जवान से बदसलूकी का आरोप है। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर विकास कुमार ने फिलहाल ये शिकायत दी है, मुकदमा दर्ज हुआ है और जोधपुर ग्रामीण में ये शिकायत दी गई है। जवान को धमकाने और बदसलूकी का आरोप विधायक के ऊपर लगा। सार्वजनिक रूप से विधायक ने माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिलहाल शिकायत दी गई है। तो 26 अप्रैल को मतदान के दौरान बीएसएफ जवान से बदसलूकी का यह मामला था, जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ था। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद विधायक के ऊपर दबाव भी बना और उसके बाद विधायक राठौर ने हालांकि सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी मांगने के बावजूद भी फिलहाल ये शिकायत दी गई है। तो बाबू सिंह राठौर के खिलाफ ये शिकायत दी गई है। 26 अप्रैल को मतदान के दौरान बीएसएफ जवान से बदसलूकी का मामला सामने आया था, वीडियो वायरल हुआ था और इसी वीडियो को लेकर के दबाव बना था और आप माफी भी सार्वजनिक तौर पर बाबू सिंह राठौर की तरफ से इसमें मांगी गई थी। हालांकि माफी मांगने के बाद भी ये मामला दर्ज किया गया है। तो जोधपुर से ये खबर है, जहां बीएसएफ जवान से बदसलूकी मामले को लेकर के आप जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है, इसमें बाबू सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जवान को धमकी और बदसलूकी करने के मामले को लेकर के ये शिकायत दी गई है और उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 26 अप्रैल को मतदान के दौरान बीएसएफ जवान से बदसलूकी का ये मामला था। तो सार्वजनिक रूप से विधायक के माफी मांगने के बावजूद भी ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर के और ताजा जानकारी क्या है, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अभी तक ये मामला है और क्योंकि शिकायत दी गई, सार्वजनिक रूप से बाबू सिंह राठौर ने माफी भी मांगी थी, वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था, लेकिन फिलहाल शिकायत दर्ज की गई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद है जो पुलिस की तर्फ से एक रिपोर्ट भी दर्ज, रोजनामे में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अब जो है सब इंस्पेक्टर विकास कुमार की द्वारा दो दिन पहले है जो 1 तारीख को रिपोर्ट दी गई थी, उसके बाद जो मतदाता मनफुल कवर है उसने भी एक क्रॉस मुकदमा है जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज कराया। अब फिलहाल दोनों तरफ से जब मुकदमे दर्ज हुए तो अब इसकी जाँच, विधायक से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से सीआईडीसी भी इस मामले की जाँच करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से बाबू सिंह राठौर ने माफी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद ये शिकायत दी गई है, मामला दर्ज किया गया है। जवान को धमकी देने और बदसलूकी का आरोप बाबू सिंह राठौर के ऊपर था।